व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टीसीपी एक्नॉलेजमेंट्स? देखिए टीसीपी एक्नॉलेजमेंट्स रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। अब एक्नॉलेजमेंट जो होता है, ये टीसीपी का हेडर है, इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर है, कितना है? 4 बाइट का। सीक्वेंस नंबर कितना है? 4 बाइट का। चेकसम कितना होता है? 2 बाइट का। तो ये सारी जो सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, चेकसम और एक कुछ हद तक विंडो साइज भी, ये तीनों बहुत जरूरी है। और ये सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर ही रिलायबिलिटी के दारोमदार है। तो इसमें टीसीपी एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब होता है? टीसीपी का जो एक्नॉलेजमेंट है, मतलब जब आप किसी से बात करेंगे और दूसरा जवाब नहीं देगा तो आप क्या समझेंगे, यार मेरी बात तुमने सुनी या मेरी बात तुम्हारे तक पहुंची कि नहीं पहुंची। लेकिन अगर टीसीपी एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो वो मतलब है कि मैंने कहा हेलो, उसने कहा हाय, तो मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल गया। इसका बात मैं समझ गया कि उसने मेरी बात सुन ली। यही यहां पर है कि आपने जब कुछ भेजा तो उसका अगर एक्नॉलेजमेंट आया, इसका मतलब इन्होंने कहा कि मेरे पास वो चीज पहुंच गई। तो टीसीपी एक्नॉलेजमेंट ये पैकेट्स को एक्नॉलेज करने के लिए होता है कि मेरे पास पैकेट सक्सेसफुली आ गया है। तो इसमें आप देखिएगा, ये जो कंट्रोल फ्लैग्स हैं, इसमें एक फ्लैग होता है, इसमें एक फ्लैग है जो एक फ्लैग होता है, ACK, ठीक है जी। वो जो ACK फ्लैग होता है वो 1 होता है, 1 होगा इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, वैलिड एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो जब टीसीपी कम्युनिकेट करता है, कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं टीसीपी के थ्रू, तो जो पैकेट यहां से गया यहां पहुंचा, इसकी एक्नॉलेजमेंट, इसकी बल्कि मुझे पहुंच गया, वो वापस जाता है, किसके थ्रू जाता है? एक के थ्रू। और ये कैसे होता है? जब ये पहुंचेगा, ये वाला जब भी पैकेट पहुंचेगा तो इसका जो हेडर होगा उसका एक 1 होगा, ओके। और यही चीज जो है वो कई बार जब आप, क्योंकि यहां पर डेटा भी जाता है एक भी जाता है, तो उसे पिगी बैकिंग कहते हैं, ये भी हो जाता है। अब इसमें मैं आपको बता रहा था सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर जो होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बाइट भेजी, मान लीजिए आप 50 सीक्वेंस नंबर से शुरू कर रहे हैं, 100 बाइट भेज रहे हैं, तो 50 से लेकर आपका 100 जोड़ लीजिए, वो यहां तक एंड होगा, ये 100 बाइट है। ध्यान रखिएगा कि टीसीपी जो बाइट स्ट्रीम होता है, तो आपने भेजा, ठीक है, यहां से आते मान लीजिए ये भेज दिया। अब जो एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, ये सीक्वेंस नंबर है, ये सिन है, ये सीक्वेंस है। जब एक्नॉलेजमेंट आएगा, जैसे यहां से ये भेजा, एक्नॉलेजमेंट जब आएगा वो क्या आएगा, जो एक होगा वो होगा 50+1, 51, मतलब एक नंबर ज्यादा, कि मुझे 50 तो मिल गया, जरा 51 भेज दो यार। ये है एक्नॉलेजमेंट ऑफ सिन, जो सीक्वेंस नंबर है उसका ये काम है। सीक्वेंस नंबर का जो पहला है वो नंबर जो है वो, और साथ में बाइट। अब जैसे अगली बार जब एक आएगा, जैसे 51 पहुंच गया, तो अगला एक जो आएगा वो 52 आएगा, कि भाई मेरे पास 51 पहुंच गया, 52 भेज दो।